शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए अहम योगदान देने वाले सफाई कर्मचारियों को पूरा सम्मान न देने वाले ठेकेदार ब्लैकलिस्ट होने चाहिए, इस बात का प्रगटावा किया है। सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय जनरल सत्तर राजकुमार ने पटियाला में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस की ओर से एक समागम का आयोजन किया गया, जिसमें गुरचरण सिंह नानू को राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस का शुभा प्रधान नियुक्त किया गया। इस समागम में शुभा प्रधान बने गुरचरण सिंह को नियुक्ति पत्र देकर यह जिम्मेदारी दी गई। इस मौके काफी तादाद में गुरचरण सिंह के समर्थन इस समारोह में मौजूद थे। वहीं इस समागम में मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय जनरल सत्तर राजकुमार ने कहा कि हमारे देश में किसी भी सरकार द्वारा सफाई मजदूरों का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर एक सरकार ने सफाई मजदूरों को दिए जाने वाले औजार का प्रबंध नहीं किया, बल्कि इनके ऊपर ठेकेदारी सिस्टम बनाकर इनको अपना गुलाम बना लिया है और वे आज गुलामी में अपना पालन पोषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सफाई कर्मचारी सीवरेज की सफाई करते हैं तो कई बार हादसे हो जाते हैं, तो ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से गरीब वर्ग को अपना अपना गुजारा चलाना बहुत मुश्किल हुआ है। इस समागम में राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस पंजाब के नवनियुक्त प्रधान गुरचरण सिंह को आए हुए सभी लोगों ने तथा आए हुए लीडरों ने बधाई दी। वहीं गुरचरण सिंह ने कहा कि जो उनको यह जिम्मेदारी दी गई है वह इसको ईमानदारी से निभाएंगे। पटियाला से प्रदीप कुमार जस्सी, आजाद टीवी न्यूज़।